दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सन 2021 की सबसे बेहतरीन मॉडर्न फार्मिंग टेक्नोलॉजी और टूल्स दिखाने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो खास तौर पर हमारे भारतीय किसान भाइयों की स्पेशल डिमांड पर है, लिहाजा ये मशीन बेहद ही महंगी है जिसके चलते हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, मगर कम से कम देखकर आप अपना ज्ञान तो बढ़ा ही सकते हैं। और हमारी टीम ने स्पेशली आप सभी किसान भाइयों के लिए और आपके लिए तैयार किया है। इस वीडियो में हम आपको एक दो या तीन नहीं बल्कि पूरे 7 अलग अलग और आज तक कभी न देखे गए फार्मिंग टेक्नोलॉजी और मशीन्स को दिखाने वाले हैं। तो बिना ज्यादा वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं नंबर 1 पर मौजूद इस फार्मिंग मशीन से जिसका नाम है ओसाडा केवेज हार्वेस्टर। दोस्तों स्क्रीन पर दिख रही ये फार्मिंग मशीन एक हार्वेस्टिंग मशीन है जिसका इस्तेमाल खास तौर पर कैबेज यानी पत्ता गोभी की कटाई के लिए किया जाता है। इन खेतों में बुआई के 8 हफ्तों बाद जब गोभी की फसल पककर बिल्कुल तैयार होती है तब कटाई के दिनों में इस ओसाडा कैबेज हार्वेस्टर मशीन का इस्तेमाल कर ये किसान सभी गोभियों को बड़े ही आराम से काट कर जमा कर लेते हैं। दोस्तों असल में ये मशीन कट एंड पंप मैकेनिज्म पर आधारित है। इसके श्रेडर्स पर लगे शार्प ब्लेड बेलियों से गोभी को काट कर अलग कर देते हैं और दोस्तों उसके बाद इस मशीन में इंस्टॉल ये कन्वेयर गोभी के फालतू पत्तों और छिलकों को उतार कर गाड़ी के पैरेलल चल रही इस लोरी में लोड कर देती है। दोस्तों आपको ये बात जानकर बेहद ही हैरानी होगी कि ये मशीन एक वक्त में 150 पीसेस से भी ज्यादा गोभियों को हार्वेस्ट करने की क्षमता रखती है। क्यों दोस्तों, आखिर खुद ही गई ना ये गोभी। खैर छोड़िए, अब हम अपनी नेक्स्ट मशीन को दिखाते हैं। दोस्तों नंबर 2 पर है बलिया टॉप लामा। दोस्तों बड़े ही अजीब से नाम वाली ये मशीन इटली की खास फार्मिंग मशीन है। इसका इस्तेमाल खेतों में फसल तैयार हो जाने पर सूखे चारे की खेप बनाने के लिए किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर खेतों में फसल की कटाई के बाद उसके कुछ अंश रह जाते हैं जिनमें से कुछ पूरी तरह से यूजलेस यानी बेकार होते हैं, तो वहीं उनमें से कुछ मवेशियों और दुधारू जानवरों के चारे के रूप में भी इस्तेमाल किए जाते हैं और इन्हीं अंशों को कई बार पराली या धूंस भी कहा जाता है। पंजाब और हरियाणा में विकल्पों की कमी के चलते किसान इसे खुली हवा में आग लगा देते हैं जिसके चलते ढेर सारा प्रदूषण फैलता है और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। खैर इन विदेशियों ने इस मर्ज का इलाज ढूंढ निकाला है और वो है ये बलिया टॉप लामा नाम की स्लैश कलेक्शन मशीन। दोस्तों ये मशीन इन सूखे खेतों के बीच जाकर नीचे की ओर लगे सारे चारे को काट कर उसकी खैप बना देती है जिसे की ब्लॉक्स के रूप में लोडिंग सेक्शन में जमा करती जाती है। कुछ ऐसे ही 8 से 10 खैंपों को तैयार कर लेने पर ये मशीन इसे इस शेल्टर में डंप कर देती है और ऐसे विदेशों में कबाड़ से भी जुगाड़ कर लिया जाता है। वैसे जुगाड़ के मामले में हमारा इंडिया भी पीछे नहीं है दोस्तों। दोस्तों नंबर 3 पर है RX प्लास्टिक्स। खेती करते हुए हर सीजन में किसान की एक सबसे बड़ी चिंता फसलों की सिंचाई होती है, तो दोस्तों किसानों की इसी समस्या को सुलझाने के लिए RX प्लास्टिक्स लेकर आए हैं मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम। दोस्तों ये आज तक दुनिया में इस्तेमाल की गई किसी भी सिंचाई प्रणाली की अपेक्षा अधिक इफिशियंट और प्रभावी है। किसी भी स्प्रिंकलिंग इरिगेटर्स की तुलना में ये सिस्टम ज्यादा पानी और वक्त को बचाता है और हर फसल तक बेरोक सही मात्रा में पानी मुहैया कराता है। दोस्तों ये मशीन इन पंपकिन डोमेस पर आधारित होती है। इस प्राइमरी व्हील से जुड़े ये स्प्रिंकलर्स सिंचाई की इस उन्नत प्रणाली की बुनियाद के तौर पर काम करते हैं। इस मशीन के लिए पानी का स्रोत ग्राउंड वाटर यानी भूजल होता है। जमीन में लगे पंप वाल्व के जरिए ये मशीन पानी को ऊपर की ओर खींचती है। फसलों के बीचों बीच से गुजरते ये इरिगेटर्स चारों ओर घूमते हुए फसलों को एक अच्छे अमाउंट में पानी प्रदान करते हैं जिससे कि फसलें ज्यादा तेज ग्रो होती हैं और हर तरफ हरियाली बढ़ती जाती है। फॉर श्योर ये मशीन दुनिया के सामने मॉडर्न फार्मिंग की एक नई तस्वीर लेकर सामने आएगी। दोस्तों नंबर 4 पर है ग्रो हग मेलन्स एट होम्स।
दोस्तों, अक्सर जब कभी भी खेती और फल सब्जियों को उगाने की बात आती है तो हमारा ध्यान किसानों और बड़े बड़े खेतों की ओर चला जाता है, मगर हमारा मानना है कि घरों पर भी ढेर सारे फ्रेश और ऑर्गेनिक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ग्रो किया जा सकता है। और अब जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो ना ही कोई टेक्नोलॉजी है और ना ही कोई मशीन, बल्कि ये अपने घरों की बालकनियों और फिर छत पर ही ताजे फलों को उगाने की टेक्निक है। इसके तहत सबसे पहले एक प्लास्टिक ट्रे में इन बहुत से छोटे छोटे जालीदार कप्स को बिछाया जाता है, जिनमें की ऊपर से मिट्टी भर दी जाती है। इन जालीदार कप्स को ही लेने के पीछे वजह पौधों की जड़ों तक ऑक्सीजन की बेहतर सप्लाई को मुकम्मल करना है। वेल ऑर्गेनिक खाद युक्त ये मिट्टी भरते ही एक तिल्ली के जरिए इसमें छोटे छोटे छेद किए जाते हैं, जिनमें की फलों को उगाने के लिए सीड्स यानी बीजों की बुआई की जाती है। और इसी के साथ सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट्स पानी को भी इस जुगाड़ू गार्डिंग बोतल के जरिए नियमित रूप से पानी दिया जाता है। बस अब क्या, अब इंतजार होता है इन बीजों का पौधों, फिर क्यारी और आखिर में रसीले खरबूजों में तब्दील होने का। मीनवाइल 19वें, 36वें और 50वें दिन प्लांट के साइज के हिसाब से पॉट्स को बदला जाता है, और आखिर में 64 दिनों के बाद ये ताजे खरबूज पककर बिल्कुल तैयार होते हैं। वाकई में दोस्तों, सब्र का फल मीठा होता है। दोस्तों, नंबर 5 पर है किवेनलैंड एंडूरो। दोस्तों, स्क्रीन पर दिख रही ये सुर्ख जायंट मशीन एक बेहद ही मॉडर्न और इफिशियंट शॉविंग मशीन है। इसका इस्तेमाल इन खेतों में बीजों की बुआई से पहले की जाने वाली जुताई में किया जाता है। ये मशीन एक बेहद ही पावरफुल शॉविंग सिस्टम से लैस होती है, जिसके तहत इसके एक्सट्रेडिंग आर्म पर लगे हैवी ड्यूटी एक्सट्रैक्टर ब्लेड्स जमीन की ऊपरी सतह को उधेड़ कर अलग कर देते हैं। दोस्तों, 3500 सीसी और 172 हॉर्स पावर का दमदार इंजन और 1926 BHP की रेसिस्टेंस वाला एक्सट्रेडर ब्लेड इस मशीन को अपने आप में एक गजब की युक्ति बनाता है। यकीनन ये मशीन जमीन का सीना चीर कर हैवी से हैवी शोइंग करने का दमखम रखता है। वेल दोस्तों, ये मशीन आज की डेट में हार्वेस्टिंग मशीन्स की एक हैवी ड्राइवर्स है, जो इसे इस्तेमाल करने वाले किसानों की खूब मौज करा रहा है। दोस्तों, नंबर 6 पर है फेउच ऑफ्स टेटनिक्च। दोस्तों, खड़खड़ आवाज करके एक पल में ही सैकड़ों सेबों की बेलियों से खचाखच काटने वाली ये मशीन अमेरिका के बलान फार्म से आने वाली एक एप्पल हार्वेस्टिंग मशीन है। इसका इस्तेमाल खेतों में पकी हुई एप्पल यानी सेब की फसल को काटने के लिए किया जाता है। यूं तो बीते लंबे वक्त से सेब किसानों के बीच मैनुअली एप्पल्स को हार्वेस्ट करने का ट्रेंड रहा है, मगर आज जब हर चीज एडवांस्ड और टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रही है तो इन सेबों की कटाई भी क्यों ना एडवांस तरीके से की जाए। वेल, इस मशीन के परले हिस्से से दो अलग अलग रिवॉल्विंग आर्म लगे होते हैं, जो कि रनर और सिलिकॉन जैसे सॉफ्ट मटेरियल के बने होते हैं, जिससे इन फलों को उखाड़ने पर कोई नुकसान नहीं पहुंचता और फल कटते फटते भी नहीं है। बस इन सभी पौधों से सेबों को काट कर अलग कर लेने पर ये सारे सेब इस मशीन के अंदर से होते हुए पीछे लगे कलेक्शन टैंक में चले जाते हैं, और इस तरह फसल से काट कर इन सभी सेबों को एक जगह एकत्रित कर लिया जाता है। और दोस्तों, फाइनली अब देखते हैं नंबर 7 पर कैसेला हॉर्स रियल। दोस्तों, कैसेला की ओर से आने वाली ये इरिगेशन मशीन एक खास तरह की मशीन है, जो कि पौधों अन्य फसलों को पानी देती है। इस मशीन का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले टेम्पररली इसे मशीन में रोका जाता है, जिसके बाद इसका वाटर इनलेट नहर के भीतर जाता है। वास्तव में ये वही पॉइंट है जहाँ से यह मशीन पानी को अंदर लेती है, और वहीं इस पाइप रोल को खोलकर फार्म के कोनों कोनों तक पानी दिया जाता है। ये मोटे मोटे पाइप्स किसी स्प्रिंगल्स की तरह एक्ट करते हैं और हर एक फसल तक बराबर मात्रा में पानी पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे थे डीपली अध्ययन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर से कर दें, और हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का।